नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से बैलेट पेपर पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किए गए वीडियो पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। कल शाम हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे धामी ने कहा कि बैलेट पेपर पर और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बार एसोसिएशन हल्द्वानी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्र 2022-24 के लिए 28 फरवरी को मतदान की तिथि घोषित की गई है। 14 पदों पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है, जिसके चलते कल 12 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। पीसीपीएनटीडी एक्ट को लेकर अनियमितताओं की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शंकर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में छापामारी की। इस दौरान अनियमितताओं मिलने पर टीम ने दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हल्द्वानी के 106 लोगों को घर बनाने के लिए पैसा मिलने जा रहा है। इसके लिए पहले ही एक किस्त जारी कर दी गई है और अब मार्च में नगर निगम करीब 106 आवेदकों को दूसरी किस्त के 60,000 रुपए जारी करेगा। हल्द्वानी से जुड़ी इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।